समाजवादी शहजादे, समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई हमले किए। शुक्रवार को बाराबंकी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री और सीएम योगी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों के जमकर मजे लिए। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तंज पर तंज कसे। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, यह इंडी गठबंधन वाले ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगे हैं। अखिलेश पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा के शहजादे ने अब नई बुआ की शरण ली है। पीएम ने कहा कि वो नई बुआ जी बंगाल में हैं और उन्होंने कह दिया है कि मैं इंडी वालों को बाहर से समर्थन दूंगी। समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। पीएम मोदी के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके सपनों की इम्तिहान देखिए। कांग्रेस के नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमां बह गए। बाराबंकी वालों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस ऊट पटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करेंगे क्या? कोई व्यक्ति अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा क्या? उन्होंने कहा कि आपको काम करने वाले और आपका भला करने वाले सांसद चाहिए, 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं।